आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। महादेव शिव शंकर प्यारा शीश चंद्र गंगा की धारा। महादेव शिव शंकर प्यारा शीश चंद्र गंगा की धारा। हे भोले रख शरण में दिखे न कोई तेरे सिवाय। बोलू ओम नमः शिवाय, बोलू ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय बोलते बोलते तर गई है दुनिया। महादेव बाबा की पूजा करते करते मन में गलत इच्छाओं के प्रति वैराग हो जाता है और इंसान सही दिशा पे चलना शुरू कर देता है। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में इस शुभ 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 सोमवार के दिन आज उच्च के चंद्रमा शाम 4:22 तक, उसके बाद मिथुन राशि में, पहले वृषभ राशि में, 22 जनवरी 2023 नक्षत्र है मृगशिरा मंगल का नक्षत्र। थोड़ी ही देर में आप मुझसे जानेंगे मेष से लेकर मीन राशि पर उच्च के चंद्रमा धन लाभ देंगे, मन प्रसन्न रखेंगे या खुशियां देंगे या सब कुछ देंगे। मेष राशि, आपको दे रहे हैं माता पक्ष से पैसा, सुख दे रहे हैं वाहन का, प्रॉपर्टी का। अगर आज डील करते हैं प्रॉपर्टी की तो अच्छी रहेगी, संचित धन भी बरकरार रहेगा। वृषभ राशि, आज आप बड़ा ही कूल रहेंगे, सुंदर दिखेंगे, मीडिया से रिलेटेड काम होंगे और साथ साथ यात्राएं बड़ी शुभ होंगी, छोटे भाई बहनों से फुलटू मदद मिलेगी, वो भी कूल रहेंगे। मिथुन राशि, धन आएगा, पैसा आएगा, प्रेमी जन से मिलन होगा और साथ में विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं, परिवार में खुशी और विदेशों में सक्सेसफुल होना। कर्क राशि, आज के दिन बड़ा ही आनंद पाएंगे आप, धन पाएंगे, पैसा पाएंगे, केसेस विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कामों में आज निर्णय ले लीजिए, स्व के विषय में भी निर्णय लीजिए। सिंह राशि, धन का स्रोत बढ़ेगा लेकिन खर्च का भी बढ़ेगा, विदेश रिलेटेड कामों में खर्च होगा, प्रेम संबंधों में खर्च होगा, कामकाज में खर्च हो सकता है लेकिन स्रोत निरंतर बनेगा पैसों का, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट में पैसे मिल सकते हैं, फिर भी संभल के। कन्या राशि, नए नए ऑफर्स आएंगे जिससे आपके कामकाज में वृद्धि हो सकती है, धन लाभ बढ़ सकता है, हो सकता है कि आप केसेस विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ फायदा पा जाएं और हो सकता है कि आपके बड़े भाई बहनों से, आपको पिता समान लोगों से फायदा हो। तुला राशि, तुला राशि के लिए उच्च के चंद्रमा आपकी तबीयत ठीक कर देंगे और साथ साथ आपको व्यवसाय या ससुराल पक्ष की मदद से धन आएगा। स्पेकुलेशन में आप थोड़ा सा संभल के स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट और ट्रेड मार्केट में फायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि, विवाहित जीवन के साथी के साथ मिलकर, व्यवसायिक जीवन के साथी के साथ मिलकर ऑफर जो है वो ले सकते हैं फटाफट और जिससे धन आ सकता है, प्रसन्नता मिल सकती है, यात्राओं में लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से भी प्रसन्नता मिल सकती है। धनु राशि, आपको तबीयत खराब थी इस बात की बहुत चिंता थी, अब देखो कि लोन्स वगैरह पास हो गए, ससुराल पक्ष से काम हो गया, तबीयत के अच्छे संदेश आए, ये सब जो बातें हैं इसमें एक ही बात समझ लें कि मन उदास होता है किसी बात से, होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है, तो शिव जी की आराधना करें। मकर राशि, मानसिक चैन रहेगा, खुश रहेंगे, विवाहित जोड़ा व्यावसायिक जीवन का जोड़ा आपका खूब सहयोग कर देगा और बच्चों के सहयोग से भी उन्नति मिलेगी। कुंभ राशि, माता पक्ष से आपके बहुत ज्यादा सपोर्ट रहने के कारण लोन्स वगैरह पास हो सकते हैं, विरोधियों से निपट सकते हैं, हालांकि थोड़ी बेचैनी उनकी तबीयत के लिए और अपनी तबीयत के लिए आपको हो सकती है, आप क्या करें, शिव जी पे जल धारा चढ़ाएं और महामृत्युंजय का जाप कर लें। मीन राशि, आपके लिए अब देखिए कि आपके छोटे भाई बहन और आपके बच्चे दोनों ही आपको प्रसन्नता देने वाले हैं, यात्रा पे निकलेंगे तो धन कमाएंगे, बुद्धिमानी से धन आएगा, मन कूल रहेगा आपका भी और बच्चों का भी, ज्ञान मार्ग शांति से आगे बढ़ेगा। उच्च के चंद्रमा वृषभ राशि में, चंद्रमा
सबसे ज़्यादा सुहाएगा वृषभ राशि और कर्क राशि को। एंजॉय कीजिए अपनी सिचुएशन, बाकी सबको भी बहुत मज़ा आएगा, पैसा भी आएगा, धन भी आएगा, प्रसन्नता भी मिलेगी, लेकिन इन दो राशियों को सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। आइए हम जानते हैं चंद्र का विशेष उपाय, जो सबसे पहले किया जाए, सुबह सुबह उठ के किया जाए तो आपका जीवन ही बदल जाएगा, और वो है पानी ज़्यादा पीना। चंद्रमा आपने देखा होगा, ज्वार भाटे आते हैं समुंदर में, बहुत असर देता है मन पर, और पानी ज़्यादा पियो तो मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रहती है। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, मैं कामिनी खन्ना शहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। संतोष जैन जी दमोह से लिखते हैं, हेल्थ से परेशान हूँ, नंबर दिया है 71। संतोष जी, आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी होने के लिए आपको लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए। हिल स्टेशन पे जाइए थोड़े दिन रहने के लिए, संभव ना हो तो थोड़ा सा पॉल्यूशन से बचिए, और साथ साथ प्राणायाम कीजिए, कृष्ण की आराधना कीजिए। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर।